आपका सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर निजी अस्पताल पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। अस्पताल में मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बुखार के मरीज का बना दिया लाखों रुपए का बिल। अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत हो गई है। खुर्जा के एक निजी अस्पताल में भर्ती है मरीज। बता दें कि इलाज के पैसे वसूलने के नाम पर पुलिस की धमकी भी दी गई। बुलंदशहर के खुर्जा में एक निजी अस्पताल में मरीज के इलाज में लापरवाही और इलाज के नाम पर अधिक धन ऐंठने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल कर्मियों ने एक युवक से बुखार आने पर 24 घंटे में लाखों रुपए का बिल बना दिया और बिल वसूला नहीं गया तो मरीज को रेफर करने और पुलिस बुलाने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही से इलाज करने और धन ऐंठने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि मरीज की हालत अभी, आपको बता दें कि मरीज की मौत हो चुकी है। मरीज की जब हालत खराब हुई थी तो उसे रेफर कर दिया गया था। कहा गया कि कहीं भी ले जाओ, दवाओं में भी 80,000 रुपए का खर्च हो गया। अस्पताल प्रशासन इलाज के पैसे वसूलने के नाम पर पुलिस की धमकी दे रहा, वहीं अन्य लापरवाही के आरोप लगातार मरीज के परिजन लगा रहे हैं। सर, कल हम सुबह आए थे 6 बजे। 6 बजे आने के बाद में हमने बोला इनसे कि हमारा मरीज एक वो कर लो भर्ती। कौन था जो मरीज है आपका? वो मेरे भाई हैं, बड़े वाले। उनको बुखार आया था, बुखार में प्लेट वगैरह वो कम हो गई थी और उसकी वजह से हमने इनसे बोला हमें। बुखार के मरीज का लाखों रुपए का बिल बना दिया गया। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है अनिल से, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि अस्पताल में मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही जहां पर अस्पताल लगातार लापरवाही बरत रहा है और ऐसा ही एक मामला बुलंदशहर से भी सामने आया, जहां पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि एक तो इलाज करने में लापरवाही बरती गई, साथ ही साथ लाखों रुपए का बिल बना दिया गया, इलाज के नाम पर पैसे वसूलने का काम किया गया, साथ ही साथ पुलिस की धमकी दी गई परिजनों को, यहां तक कि मरीज को रेफर करने भी नहीं दिया जा रहा था और मरीज की मौत हो गई। परिजनों में आक्रोश देखने को मिला। परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं अस्पताल पर लगातार। उनका कहना है कि पैसे ऐंठने का काम अस्पताल द्वारा किया गया, बुखार आने के बाद 24 घंटे के अंदर लाखों रुपए का बिल अस्पताल द्वारा बना दिया गया। आपको बता दें कि मरीज की लापरवाही के चलते मौत हो गई और प्रशासन लगातार परिजनों को धमकी भी दे रहा था पुलिस की कंप्लेन कराने की, साथ ही साथ मरीज को रेफर भी नहीं किया जा रहा था। और हमारे साथ मृतक मरीज का भाई बाली जुड़ चुका है। बाली, आपसे पूरा घटनाक्रम जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, ये सुबह मैंने भर्ती करी सुबह की भाई हॉस्पिटल के रात हॉस्पिटल में खुल गया। जब उन्होंने मैं भर्ती करा तो मेरे पास पैसे कम थे, मात्र 10,000 रुपए थे। तो वो बोलने लगे कि 10,000 रुपए में भर्ती नहीं हो गई, आप 30,000 रुपए जमा करो तब आप भर्ती होंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के, फिर उन्होंने वो 10,000 रुपए में भर्ती कर लिया और मैंने पैसे मंगवा लिए। उसके बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया। 8:30 बजे से ट्रीटमेंट चालू हुआ उनका। यहाँ से जब वो सुबह गए तो एकदम, जब मैं लेके गया वहाँ से दूसरे अस्पताल में, चलते गए वो आराम से, बोल भी रहे थे कोई दिक्कत नहीं कहती के साथ।
तो मैंने फिर इनने बोला उससे भी 11 बजे ब्लड चाहिएगा, तो मैंने इधर से एक गांव से कुछ बालक बुलवाए ऐसे अपने रिश्तेदार वगैरह, तो मैंने इन्हें ब्लड निकलवा के वो 11 बजे दे दिया। तो उसके बाद में इनने वो ब्लड 11 से लेकर शाम के 10 बजे तक चढ़ाया। मैंने फिर उससे बोली है समथिंग 6 बजे करीब के 10 बजे हमें ब्लड चाहिएगा, और फिर हमने इन्हें वो ब्लड भी दे दिया। वो ब्लड दिया जो शाम को 10 बजे मांगा वो दिया हमने 10:15 बजे, 10:15 बजे हैं। उसके बाद हमसे सर 12 बजे 12:15 बजे तो समथिंग बोलने लगे कि आपके मरीज की ज्यादा सीरियस हालत है, आप अपने मरीज यहाँ से ले जाओ और हमारा पेमेंट करके जाओ। अभी मैंने इनसे बोली कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, इनकी आप देखो कि आप पैसे नहीं, मुझे मेरे मरीज को दिखाओ। और तुरंत 80,000 रुपए की इन्हें मुझे दवाई दे दी। मेरे पास पैसे नहीं थे, 21,000 तुरंत उससे जमा कराएंगे दवाइयों के पैसे में तुरंत की तुरंत नगद जमा करें। उसके बाद में मुझसे बोलने लगे कि आप अपने मरीज लेके जाओ नहीं मैं पुलिस बुलाता हूँ। तो उसके बाद में जिन के साथ मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहीं से भी जुगाड़ करो आप मुझे पैसे दो, मैं पैसे जमा करो और अभी के अभी लेके जाओ। मुझे धमकी देने लगे, मैं गरीब आदमी मजदूर आदमी हूँ। उसके बाद में मैं नामानी किसी की, फिर हमने सुबह तक वो मरीज अपने ना निकाले। इनने हमने इनसे रिक्वेस्ट करी हमें दिखा दो, इनने वो ऑनटिलेटर पे लगाए रखे, हमें ये भी ना पता कि ऑनटिलेटर पे लग रहे हैं या हटा दिए, हमें कोई जानकारी नहीं किसी जो हम भीतर ही लगा अंदर अंदर जाने। तो वो जो गार्ड बैठे थे वो गार्ड इतने सत्य के वो सीधी उल्टी सीधी बात करने लगे। तो फिर इनने हमें सुबह के 8 बजे तक भी इनने हमें वहां जाने ना दिया। हम इनसे बोल रहे तो सर हम पैसे का जुगाड़ करेंगे, जल्दी से करेंगे, हमारे मरीज के पहले हमें दिखाओ कैसी हालत है कैसी ना, इनने हमें कोई नहीं जाने दिया। फिर जो बाद में जो मैंने वो बैठ दिया वो बोलने लगे 11:15 बजे के करीब पे वो ब्लड चढ़ गया आपका, जिनके सर वो ब्लड नहीं चढ़ा रहे नहीं वो चढ़ गया। जी बिल्कुल, के न्यूज पर अपनी राय रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल बेड़ा जुड़ चुके हैं। अनिल, हमने मृतक के भाई से बात की, उन्होंने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पैसे ऐठे गए हैं केवल और इलाज में लापरवाही बरती गई है। और जब पीड़ित पक्ष ने उनसे कहा कि हमें मरीज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने पुलिस की धमकी देना शुरू कर दिया। अनिल, क्या आपको आवाज आ रही है? लगता है अनिल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बता दें आपको कि इलाज के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप परिजन लगा रहे हैं। निजी अस्पताल पर अवैध वसूली करने का आरोप परिजन द्वारा लगाया गया। आपको बता दें कि मरीज को जब परिजन लेकर जाते हैं तो उसकी स्थिति सामान्य रहती है और उसके बाद उस मरीज की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। चित्रकूट में अर्जुन दिवाकर नामक 70 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया गया, जिसकी छानबीन कर रही पुलिस ने आखिरकार मामले का